अभी हम गांधी मैदान में हैं, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। यहाँ लंका दहन होता है और ये देख रहे हैं लंका बन के तैयार हैं और यहाँ लाखों की भीड़ है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। ये देखिए लाखों लोगों की भीड़। हर साल जलाया जाता है रावण को और इसको देखने के लिए लाखों की भीड़ आती है। पटना में बाढ़ आया हुआ था लेकिन बाढ़ में भी मुस्कुराना ये हिंदुस्तानी ही करता है। बाढ़ अपने जगह है, खुशी अपने जगह है, क्योंकि एक दिन जाएगा तो फिर एक साल के बाद ही आएगा। सामने बिस्कुमान भवन देख रहे हैं और वहाँ पे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ तीनों हैं। ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान और हम भी हैं और मेरे साथ काश्यप भी है बेटा। थोड़ी देर में रावण को जलाया जाएगा। ये उद्योग भवन सामने, उद्योग भवन और यहाँ रीजेंट सिनेमा, वहाँ मोना एलिफिस्टन, किस मेमोरियल हॉल उस तरफ है, सामने बिस्कुमान भवन, इस तरफ रिजर्व बैंक। कुंभकर्ण में आग लगा दिया गया है मेघनाथ में, ये देखिए। कासिम हिल रहा है, मेघनाथ भी जल गया। लोगों में खुशी देखी है, पूरा जल चुका है और टाइम देख लीजिए 5:10 पे। अब सिर्फ रावण बचे हुआ है, अब थोड़ी देर में उसको भी जलाया जाएगा। यहाँ कश्यप किशन के गोद पे है, कंधा पे चढ़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पे चढ़ा हुआ था, कपड़ा गंदा कर दिया। पांच मिनट पे रावण में भी आग लगा दिया गया और रावण को देखिए दृश्य। कश्यप फिर से किशन के कंधा पे चढ़ गया है देखने के लिए। कश्यप इधर ताको, देखो रावण जल रहा है। रावण में आग पकड़ चुका है, फिर से लोगों में उत्साह, बुराई का अंत, रावण का दहन, यही मानते हैं, मानते आ रहे हैं। अब लोगों का भीड़ यहाँ से टूटेगा, अपने अपने घर के तरफ प्रस्थान करेगा, लेकिन हड़बड़ाइए मत, क्योंकि एक बार बहुत बुरा हादसा हो चुका था, इसीलिए आराम आराम से सब जाइए। बहुत बुरा हादसा हुआ था एक बार इसी लंका डहान में, बहुत लोग मर गए थे, भगदड़ हो गया था, रावण भी जल गया। अब धीरे धीरे लोग अपने घर के तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। श्री कुमार
पावन जलते ही देखिए लोगों का निकलना शुरू हो गया है। सारे लोग अब अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लाखों की संख्या में भीड़ है। बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों की संख्या में भीड़। रावण वध हो चुका, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। पिछली पहले तो गुब्बारा वुब्बारा होता था, बहुत अच्छा से होता था, अब उतना नहीं होता है समय के साथ, लेकिन लोगों में भीड़ उत्साह आज भी देखी जाती है। अनाउंसमेंट चारों तरफ से हो गया है, सारे गेट खुले हुए हैं और आराम से गेट से निकले, यही बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा। प्रशासन की पूरी मुस्तैद है किसी तरह का कोई हादसा ना हो, इसलिए पूरे प्रशासन लगाया गया व्यवस्था अच्छी तरह से। बहुत भीड़, पटाखे जलाए जा रहे हैं, अब दशहरा खत्म, पटाखों की आतिशबाजी शुरू हो गई, हर तरह के पटाखे जलाए जा रहे हैं। तीनों समाप्त हो गए, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, दशहरा खत्म। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।